This vlog is back from April 3rd, 2023. Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. हमने सेकंड टाइम वाली क्लास में ना फर्स्ट टाइम रखवा ली थी, तो उसके बाद आए हैं मार्केट में। यहाँ पे हमने मोबाइल अपग्रेड करना था एक दोस्त का, वो अपग्रेड किया है। और उसके बाद अब ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा MI का स्टोर, वो वाला, वहाँ से मैंने अभी लेना है जाके अपना Xiaomi का Pad 5। क्योंकि एक जगह पहले हम गए थे जहाँ पे यूज़ मिलते हैं ना, उस मार्केट में गए थे, तो वहाँ पे हमने देखे हैं, तो प्राइसेस मतलब थोड़ी कम थी, लेकिन जो यूज़ का मसला होता है ना, वही है कि बाद में कोई फॉल्ट वगैरह निकला है तो वो आप रिपेयर वगैरह नहीं, उनसे मतलब गारंटी नहीं देते वो किसी चीज़ की। तो मैंने कहा अगर 100 या 200 RMB का फ़र्क आता है तो बंदा MI स्टोर से जाके डायरेक्ट ले ले। तो अभी चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे किस रेंज में मतलब खड़े हैं, क्या हिसाब किताब है। वैसे तो बहुत महंगे होंगे मुझे पता है, यकीनन। यहाँ पे सारे ना मोबाइलों के Huawei है, उसके बाद वो चाइना यूनिकॉम चाइना मोबाइल वाले बैठे हैं, और यहाँ पे MI का स्टोर है, Huawei का है, एप्पल का है। एक एप्पल का स्टोर ये, और एक थोड़ा सा मतलब 20 से 25 कदम आगे जाए ना, आगे कॉर्नर पे एक और है एप्पल स्टोर, ये MI का है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये सारे मोबाइल्स वगैरह पड़े हैं MI के। यहाँ पे MI के वो मॉडल्स आए हुए हैं जो अभी तक पाकिस्तान में अभी तक किसी ने देखे भी नहीं होंगे, और बहुत मज़े के हैं इनके, Xiaomi के मोबाइल्स जो हैं। ये देखें, हाथ में लेते हैं तो पता चलता है कोई चीज़ मोबाइल बंदे ने को पकड़ा हुआ हाथ में। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। इस तरह ये है, ये डमीज पड़ी हैं इनकी आई थिंक, हाँ। और ये Huawei की वॉच, इसकी Xiaomi की वॉच है इनकी। अब ये iPhone के मुकाबले का मोबाइल है इनका, ये 8256 वेरियंट लोगे तो 4300 RMB का मिलेगा आपको, आई थिंक 2 लाख तक पड़ जाता है बंदे को। बीच में ना बोल। ये वाला मोबाइल हमने अपग्रेड किया है XS से 12। चीजें ऑर्डर की हैं। ये वाला हम लेंगे इंशाल्लाह। ये इनके रेडमी के लैपटॉप्स, ये वाला स्लिम है, ये वाला अच्छा है काफ़ी। एक मिनट, वो ऐप्स वो करनी है। और यहाँ पर ये MI का ये इलेक्ट्रिक ब्रश, बहुत मज़े का, ये लेंगे। कितने का है? पाकिस्तानी 7000 रुपये का, बहुत महंगा है। और इसके अलावा ये iPad की कॉपी है, पता नहीं क्या है, और ये ड्राइंग वाला होता है आई थिंक सो। बाकी यहाँ पे ट्रिमर्स वगैरह हैं MI के, MI की इन्होंने हर चीज़ रखी हुई है इधर, ये प्रेशर कुकर वगैरह और बॉयलर वगैरह, ये सारे, ये सफाई वाला मॉप वगैरह भी इनका MI का, इधर जलवा है हमारा। स्मार्ट क्लीनिंग पोर्शन, ये स्मार्ट किचन पोर्शन है इनका सारा, ये पूरा MI स्टोर है इनका। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये है Xiaomi Pad 5, और इसकी प्राइस भी है 2000, जो मैंने वेरिएंट लेना है इसका 6128। और ये है प्रो है, इसके भी 128, इसका जो वेरिएंट है वो 2500 का, मतलब 20-30,000 का फ़र्क पड़ जाता है PKR का सिम। तो अभी देखते हैं कौन सा वेरिएंट लेते हैं। और ये है रेडमी का, ये बहुत सस्ता है, जितने का मुझे 128 मिल रहा है ना, इतने का मुझे 8128 मिल जाएगा रेडमी का। तो देखते हैं, अभी समझ कुछ भी नहीं आ रहा कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं, तो जैसे लेते हैं फिर इंशाल्लाह। बस मेरा मूड जो है वो इसका बन रहा है बहुत ज़्यादा। सारा दुख समझूं भाइयों में, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को क्या खोलने का है? शापर भी एमआई का दे रहे हैं मुझे। तो तुम्हें एप्पल का देंगे? यहीं पे बैठ के खोलते हैं। मेरे हाथ में तो आया ही नहीं है अभी तक बेचारा। उस टाइम क्लिप लूंगी ना फिर। हैं क्लिप बना लो करो। तो यार अब हम जा रहे हैं वापस। हमने जाना है आज दूसरे कैंपस जहाँ से हम कल शिफ्ट हुए थे अपने पुराने कैंपस में। वहाँ से हमारा कुछ सामान वगैरह था, कुकिंग का तो सारा ही सामान रहता, तो वो अब उठा के अब वापस जाएंगे, मतलब शाम को ही वापस आएंगे वहाँ से इफ्तारी वगैरह करके। आज का मौसम मेरा फेवरेट मौसम है क्योंकि गर्मी भी और साथ हवा चल रही है और बहुत बहुत प्यारा मौसम हुआ है। और आपस की बात है भाई, रोज़ा भी आज थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि काफ़ी पैदल भी चले हैं आज और सुबह सो भी गए थे, क्लास भी लेट गए थे 20-25 मिनट क्योंकि आँख ही नहीं खुली भाई। क्योंकि जहाँ नई जगह शिफ्ट हुए हैं लोग कहते हैं कि उन्हें नई जगह पर नींद नहीं आती पहले दिन, और मुझे ऐसी नींद आई है कि मैं ना उठ ही नहीं सका। और ये जो है ना पुलों वाली जगह हमारी सिटी में जहाँ पे ब्रिज ही ब्रिज है, ये मेरी फेवरेट जगह है इस सिटी की। तो अभी ये पहुँचने वाले हैं हम इधर खोचा चंद ट्रेन स्टेशन। ये है बसेस का आखिरी स्टॉप, यहाँ से अपनी पकड़ेंगे बस और जाएंगे अपने ओल्ड कैंपस। तो यार मैंने इसे कहा था कि स्लो ट्रेन स्टेशन जो है ना वहाँ जाना है मैंने, क्योंकि बस स्टॉप वहीं, और ये मुझे बंदा कहीं और ले गया और इस बंदे ने ना मतलब मीटर अपना स्टार्ट किया था टैक्सी का। तो जब जहाँ पे मैंने सिखाया ना कि तू गलत जा रहा है मुझे इस जगह पे जाना है, तो वहाँ पे इसने अपना जो है ना मीटर वो दोबारा रीसेट करके वो दोबारा 10 UN पे ले आया है, मतलब जहाँ से इनका टैक्सी का मीटर स्टार्ट होता है ना दोबारा इसने वहीं से स्टार्ट कर दिया अपनी टैक्सी। कोई कोई बंदा ही होता है जो इस तरह करता है, वरना कहते हैं भाई कि तूने मुझे गलत बताया है। ये ऐसे भी होते हैं हरामी यहाँ पे। अभी तो 10 UN ही है, वहाँ पे पहुँचते 13-14 तो बन ही जाएंगे। मैं तो कहीं भी जाना है आपने 10 UN से स्टार्ट हो रही है ना टैक्सी, तो शुरू वाले 10 UN तो आपके गए ना मुफ्त में गए वो। तो यार ये वाला स्टेशन है जहाँ पे हमने आना था, गुयांग रेलवे स्टेशन, और वो बंदा पता नहीं कहाँ ले गया, कोई समझ में नहीं आता उसका। ऊपर से फिर जब वो चाइनीज बोलता है तो ऊपर से और मतलब बंदे का ना दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो गया, पहले कुछ समझ नहीं आ रहा ऊपर से इसकी चाइनीज़ और सुनो। अब यहाँ पे 255 नंबर बस पकड़ेंगे और जो सीधा हमें ना उस कैंपस ले जाएंगे। अभी मेरे वीचैट में पैसे पड़े हैं, मैंने अभी किसी दुकान से जाके ना उनको कैश करवाऊँगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे ना बस में आपको कैश देना पड़ता है और कैश मेरे पास है नहीं। तो पहले दुकान वाले को मैं 2 UN ट्रांसफ़र करूँगा, तो फिर उससे मैं 2 या 3 UN ना कैश पकड़ लूँगा वहीं पे ऑन द स्पॉट। या आई एम जीनियस ब्रो। भाई साहब कैश भी ले लिया है, लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस बस पे मैंने जाना है वो बस ही नहीं खड़ी अभी, 255 नंबर। तो देखते हैं किस टाइम आती है, अभी तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे मुझे इस बस के आने के। ये है 255 बस का, नजर आ रहा है। धूप भी बहुत तेज है, बहुत तेज आ रही है। यहाँ का ट्रेन स्टेशन है ये सामने वाला। मेरी जिंदगी की बस एक और जंग रह गई है, ये चाइनीज खड़े हैं, इन सबसे पहले मैंने बस में चढ़ना है। हालांकि मैं लाइन में पीछे था लेकिन मैं सबसे आगे आ गया लाइन में इस टाइम। तो यार 255 नंबर बस में भी हमारा मिशन कामयाब हो गया, हमें सीट मिल गई है। कुछ वहाँ भी खड़ी है, ज्यादा रश नहीं था क्योंकि कुछ बंदे बैठ के आए थे इसमें पीछे से। हालांकि पहला स्टेशन है यहाँ से बस सिर्फ स्टार्ट होती है, तो बस देखते हैं अभी फिर कितनी देर में। आई थिंक 1 hour and 30 minutes लगेंगे मुझे अपने कैंपस पहुँचते यहाँ से। तो वहाँ पे जाके देखते हैं आज फिर रफ्तारी वगैरह करते हैं, शाम को फिर वही कुकिंग का सारा सामान उधर पड़ा है वो ले कर फिर हमें इधर आने दोबारा अपने नए कैंपस में जहाँ शिफ्टिंग है। नए को ओल्ड कैंपस कह रहा हूँ और ओल्ड को नया कैंपस कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा ही उल्टा हिसाब है, हम न्यू में रहे हैं तो हम इसलिए उसको ओल्ड कहते हैं, और अब ओल्ड में शिफ्ट हुए हैं तो इसलिए अब हम उसको न्यू कहते हैं। हाय हमारी किस्मत। आफ्टर आफ्तारी।
and then Wapsi. Nisha Hanhao Run Shushu. Aye. ये अंडे पड़े हैं, बाकी सामान निकालते हैं अंदर से। ये पड़ा हमारा सामान, ये आदिल साहब उतार रहे हैं। अफ्तारी के बाद हमने ये सामान सिर्फ लेके आए हैं अभी तक, और इस टाइम टाइम ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं। आदिल साहब कह रहे हैं व्लॉग बाद में बनाना, पहले अंदर से सामान उतारो। ये उतार रहे हैं, ऑयल वगैरह सब कुछ ले आए हम। ये देखें, मैं अंडे उतार लेता हूँ, इतने हैं आदिल साहब। जिंथियन हन ले ब्रो, शुशु हन हाओ। शुशु हमें लेके आया एंड तक। ओके बाय बाय शुशु, शिष्य नहीं बा। ये अभी 12 बैग कल लेके आए थे, और अभी ये, और कल काजी ने भी लेके आना है सामान। हम नहीं थके, सिर्फ बाजू में खलियाँ पड़ गई हैं मेरी। सामान अभी दूसरे फ्लोर पे लेके जाना है सारा। अल्लाह अकबर, चलो भाई शुरू हो जाओ। या वो सामान वगैरह रखा है अभी ऊपर, और इस टाइम हालत इतनी टाइट हुई पड़ी है ना, सोच भी नहीं सकते आप लोग। सांस नहीं बहाल हो रहा अभी तक। इंशाल्लाह जब वो खोलता हूँ ना अपना एमआई का पैड, फिर मिलता हूँ आप। तो यार आज ये वाला टैब लेके आए हैं, शाओमी पैड 5। ये वेरिएंट है इसका 6128। तो इसके अंदर एक टैब था ऊपर, और टैब के अलावा जो इसके साथ हमें मिला है वो है, इसके अंदर एक कनेक्टर है जिसके साथ आप मतलब पिन वाली हैंड फ्री आप यूज़ कर सकते हो, ये इसके अंदर है वो। और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला, डब्बे के अंदर सिर्फ यही था। और उसके अलावा जनाब जी उन्होंने हमें दिया है कि शाओमी का चार्जर दिया साथ, असल 33 वॉट्स का, और बस यही दिए ऑलमोस्ट। बाकी वारंटी का पूछा तो मैंने, तो वो कहते हैं कि आपको 99 RMB का मतलब पाकिस्तानी 4-5000 की आपको वारंटी इसकी ख़रीदनी पड़ेगी, 5 साल की होगी वो। और ये वाला पैड है, और इसका ये जो कवर है ये मुझे जैन ने लिया था ना कुछ दिन पहले, तो उसने दिया ये वाला कवर मुझे इसका, ये वाला मैग्नेटिक। तो अभी इसका ये वाला है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का है भाई। बस ये है जी इसके अंदर बॉक्स के अंदर। बाकी है कि MI का इन्होंने ये दिया है मुझे, क्या कह सकते हैं इनको। बस तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो ये मैं रिकॉर्ड करूँ, ये भी पता नहीं कब अपलोड करूँगा, कोई समझ में नहीं आता। अल्लाह ताला सब्र दे हर काम करने के, इंशाल्लाह जो काम भी होता है अल्लाह ताला उसमें कोई ना कोई बेहतरी लाजमी रखते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह ज़िंदगी चलती रहेगी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मुझे खुश रखे, सबके वालदैन को सलामत रखे अल्लाह ताला। इंशाल्लाह इन्हीं दुआओं के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जब कभी बनाया उस व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।